तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले फिफ्थ T20 मैच का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखेंगे दोनों टीमों का समीकरण जो है अभी किस तरह से है, किस तरह से जो है दोनों टीमें परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे आपको वीडियो को लास्ट तक सारी चीज़ें जो है मिल जाएगा। और अभी तक आप सभी को जो है पता चल गया होगा कि बांग्लादेश जो वो 3-1 से जो है वो काफ़ी आगे है सीरीज में, यानी कि सीरीज जो है वो ऑलरेडी जीत चुका है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या जो है वो चेंजेस हो सकते हैं दोनों टीमों में, किस तरह से दोनों टीमों का जो है वो परफॉर्मेंस अभी तक रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो यहाँ पे ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपको TNPL, इसके अलावा जो है आपको द 100 और जो भी इंटरनेशनल मैचेज चल रहे हैं उससे रिलेटेड हर तरह का इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। और साथ ही आप कॉल प्रिपरेशन सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आपको सारे अपडेट जो है वो आपको मिलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इस मैच का। तो सबसे पहले ये जो होगा फिफ्थ मैच होगा इस सीरीज़ का और लास्ट मैच होगा इस T20 सीरीज़ का। यहाँ पे मंडे को खेला जाएगा 9 अगस्त को, और टाइमिंग जो होगा वो 5:30 इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से होगा। और वेन्यू जो है वो सेम है, शेरे बंगला स्टेडियम नेशनल ढाका में जो है ये खेला जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो अभी तक जो 4 मैचेज हुए अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये कि एवरेज बैटिंग पिच ग्राउंड जो की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है। मौसम भी जो है वो बारिश बारिश सा जो है मौसम रह रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर अभी तक जो है वो बॉलरों को जो है वो काफ़ी मदद मिला है। जो हाईएस्ट चेस हुआ है वो आया 127 रन, जो लोएस्ट डिफेंड हुआ है वो भी जो है आप देखोगे यहाँ पर लास्ट 4 मैच में 127 रन जो है वो डिफेंड हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस ग्राउंड पे जिस तरह अभी तक का बिहेवियर जो है वो देखने को मिल रहा है वो अब बैटिंग के लिहाज से सही नहीं है, लेकिन बॉलिंग के लिहाज से बहुत ही सही जो है वो चल रहा है। और बहुत सारे मैचों में आप ऐसा देखो भी होगा कि विकेट भी ज़्यादा नहीं गिरता है, लेकिन फिर भी जो है वो चेस होने में टारगेट जो है वो बहुत मुश्किल जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पिच जो है वो बहुत ही स्लो है। और यहाँ पे जैसे जैसे बारिश जो है ये होते जा रहा है, बारिश आपको पता है कि अभी एशियाई कंडीशन है, और एशियाई कंडीशन में जो है आपको मानसून का मौसम जो है वो देखने को मिलता है, और इस मानसून में जो है आपको बारिश का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा एशियाई कंडीशन में। तो यहाँ पे जो है पिच स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको देखने को मिलेगा कि इस मैच में भी जो है ज़्यादा रन जो है वो बनने के चांसेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं 2 मैच में तो जो चेस हुआ है और 2 जो है वो यहाँ पे जो डिफेंड हुआ है। और टोटल मैचेज आप यहाँ पे बात करोगे देखोगे हमेशा जो है 50-50 का आंकड़ा जो है आपको ढाका में देखने को मिलता है। टोटल 48 मैचों में से यहाँ पे 24 मैचेज जो है वो फर्स्ट बैट जीता है, और 24 ही मैचेज जो है वो आपको सेकेंड बैट जीता है, और 150 जो यहाँ पे फर्स्ट बैट एवरेज है। इसके अलावा हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो अभी देखोगे कि टोटल 150 से नीचे जो है वो 26 स्कोर बने हैं, 150 से 70 के बीच में जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 8 स्कोर बने हैं, और 170 से 90 के बीच में जो है 5 स्कोर देखने को मिलेगा, और 190 से ऊपर जो है यहाँ पे 9 स्कोर जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं वेदर फोरकास्ट का। टेम्परेचर जो है आपको 32 डिग्री रहेगा, बारिश के चांसेस जो है वो आपको 70% रहेगा, ह्यूमिडिटी भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे इंटरेप्शन जो है वो क्रिएट हो सकता है मैच में कि मैच जो है आपको पूरा देखने को जो है वो ना मिले। इसके अलावा हम बात करते हैं टॉस डिसीजन की। तो जो भी कैप्टन यहाँ पे टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगा, और चांसेस यही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे टॉस जीतेगा और पहले बॉलिंग करना जो है पसंद करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं टीम न्यूज़ की। तो दोनों टीमें जो है अब जान चुकी है कि सीरीज जो है वो बांग्लादेश जीत चुका है, तो दोनों टीमों के कैप्टन तो सेम रहेंगे, लेकिन बेंच प्लेयर जो है वो आपको चांस मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इनको जो है चांस मिल जाएगा इस मैच को खेलने का। हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो बांग्लादेश से सबसे आपको जो है मोहम्मद नायम, इसके अलावा जो है सोमिया सरकार, साकिबुल हसन, मोहम्मदुल्ला, आसिफ हुसैन, इसके अलावा जो आपको यहाँ पे समिंद ससीम हुसैन, इसके अलावा नूरुल हसन, मेहदी हसन, मुस्तफिजी रहमान, शरीफुल इस्लाम और नासुम मोहम्मद जो है आपको देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 में। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो आपको बेन डॉर्मेक, मैथ्यू वेड, मिथेल मार्स, इसके अलावा जो है मॉइस हेनरिस, एलेक्स कैरी, एस्टन टर्नर, डैनियल क्रिस्टन, एस्टन एगर, इसके अलावा जो आपको एंड्रू टाई, मिथेल चैपनेस और जॉस हॉजलवुड जो है आपको देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 में। की प्लेयर की बात करते हैं तो अगर आप फैंटासी लीग बनाते हो तो कोशिश करना है कि यहाँ पे बॉलिंग जो है वो आप ज़्यादा पिक करो, बैटिंग जो है थोड़ा मतलब कम जो है पिक करके चल सकते हो। बांग्लादेश की तरफ से आपको की प्लेयर जो है पिक करना है, उसमें लेना है सोमिया सरकार को, साकिबुल हसन को, महमूदुल्ला को, मेहदी हसन को, मुस्तफिजी रहमान को, शरीफुल इस्लाम को, इसके अलावा जो आपको नसूम अहमद को जो है पिक करके चल सकते हो। यहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है आपको बेन मैकडॉर्मेट को लेना है, मैथ्यू वेड को, मिथेल मार्स को, इसके अलावा एस्टन एगर, मिथेल स्वेपनस और जो है सेजलवुड को जो है पिक करके चलना है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्लेयर प्रोजेक्शन में, तो आप रन बनाने में और बैटिंग में जो है देख सकते हो जो मैंने की प्लेयर बताया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको आप जो है पिक करके चलना, ये जो आपको रन दे सकते हैं और विकेट भी दे सकते हैं। और अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोनों टीमों में काफ़ी डिफरेंस जो देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया रिसेंट 5 मैचों में 4 हार चुका है, 1 जो है वो जीता है, और बांग्लादेश जो है रिसेंट 5 मैचों में से 4 जो है ये जीता है और 1 जो है ये हारे हैं।
इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे हेड टू हेड का। हेड टू हेड में दोनों टीमें जो है अभी तक 8 मैचेस के लिए है, जिनमें से जो है 3 बांग्लादेश जीता है और वो तीनों जो है इसी सीरीज में जो है वो जीता है और 5 जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। यही हम बात करते हैं यहाँ पे अभी तक का। तो देखोगे फर्स्ट बैट करते हुए ऑस्ट्रेलिया 1 मैच जीता है, सेकंड बैट करते हुए आप देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे 4 मैच जीता है, और बांग्लादेश फर्स्ट बैट करते हुए 2 मैच जीता है और सेकंड बैट करते हुए 1 मैच जीता है, और विनिंग चांसेस जो दोनों में अभी तक ये जो है ये रहा है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे लास्ट एडिशन का मैचेज जिनके कैसे रहा है। तो 2021 के 4 मैचेज अभी हो चुके हैं, 4 में से 3 बांग्लादेश जीता है, 1 जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है, और 2016 में 1 मैच में से 1 ऑस्ट्रेलिया जीता था। उससे पहले जो भी मैचेज हुए थे उसमें सारे मैचेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया अभी तक जो है वो जीता है। अब हम देख लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम। उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, यहाँ पे जो है आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, और साथ में ये जो है आपको कॉल पर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको जो है सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम जो है वो कैसे लेना है, किस तरह से जो है प्लेयर सेलेक्ट करके चलने हैं इस मैच के लिए। अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो ड्रीम इलेवन टीम में सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे सबसे पहले जो है बॉलर और ऑलराउंडर में जो है वो सबसे पहले छाट लेना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है इस ग्राउंड पे कि सबसे ज़्यादा जो है आपको इन्हीं चीज़ों में से देखने को मिलेगा। तो जॉस अजयवुड को ले लेते हैं, रहमान को ले लेते हैं, इसके अलावा जो आपकी सलीम को ले लेना, नूर अहमद को जो है पिक करके चल सकते हो। अब हम देख लेते हैं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट, तो ऑलराउंडर में जो है आपको साकिब हसन को लेना है, मार्स को लेकर चलना है, और इसके अलावा जो आप नरुल हसन या फिर जो है आप एस्टन नेगर को लेकर चल सकते हो। बैटिंग डिपार्टमेंट देखते हैं तो बैटिंग में जो है आपको यहाँ पर पिक करके चलना है, सबसे पहले जो है आपको महमूदुल्ला को पिक करके चलना है, नईम शेख को आप लेकर चल सकते हो या फिर आप चाहो तो जो है वो छोड़ भी सकते हो। इसके अलावा जो आपको मोइस हेनरिस को पिक करके चलना है, और एक बैट्समैन जो आपको और पिक करने पड़ेंगे तो नईम हुसैन या फिर जो है आप जॉस फिलिपे तो रहेंगे नहीं, एस्टन टर्नर को पिक करके चल सकते हो या बेन मैकडॉर्मेट जो है ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और ऑलराउंडर की बात सॉरी विकेट कीपर की बात करते हैं, विकेट कीपर में आपको एलेक्स कैरी या फिर जो मैथ्यू वेड रहेंगे या नरुल हुसैन रहेंगे, ये तीनों जो है अच्छे ऑप्शन है। यहाँ पर मैं मैथ्यू वेड के साथ जो है वो जा रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन वाइस कैप्टन जो है आपको यहाँ पे लेके चलना है बॉलिंग ऑलराउंडर रिपोर्ट में से आप किसी को जो कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करके चल सकते हो। मैं साकिब के साथ जो है वाइस कैप्टन के तौर पर जाता हूँ और मिथिल मार्स को जो है वो कैप्टन के तौर पर जाता हूँ। इसके अलावा जब रहमान और जैस हेजलवुड को जो है वो आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन जो है वो रहेंगे इस ग्राउंड के लिए। यहाँ पे देख सकते हो आप टीम प्रीव्यू और इस टीम के साथ खेल सकते हो अप टू 7 मेंबर। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको और भी बहुत सारी टीमें चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।